खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। तो बीते दिन स्टेज के उत्तों बापू हवारा जी होरां दे वल्लों एक बहुत वड्डा बयान दिता जाता है, जिस विच किया जाता है कि कल नूं 22 फरवरी दे दिन एक जत्था जो है लुधियाना DMC होस्पिटल वाल नूं रवाना होएगा। बापू सूरत सिंह होरां दे नाल मुलाकात की जाएगी। तो बापू जी की कॉल के उत्ते 5 मैंबरी जत्था जो है लुधियाना वाल नूं DMC हस्पताल वाल नूं रवाना होने की तैयारी दे विच है। तुसीं देख सकते हो गड्डी कराई गई है। इस गड्डी दे विच मीडिया कर्मचारी ते जो जत्था हैगा बाकी दे जो सिंह साहब नाल जाणगे सारे ही इस गड्डी दे विच सवार होके पहुंचणगे। गलबात करन दी भी कोशिश करांगे। अपने नाल बलविंदर सिंह होरी मौजूद है, उन्हां तो जान लैने आ कि किन्ने वजे जत्था जिहड़ा रवाना होण वाला है ते किस तरीके दा अज प्रोग्राम जिहड़ा उलीकिया जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल बापू गुरचरण सिंह होरां ने कौमी इंसाफ मोर्चे की स्टेज तो ये आदेश दिता सी कि 5 जिहड़े मतलब इतों कौमी इंसाफ मोर्चे की तालमेल कमेटी के मैंबर ने वो जाके बापू सूरत सिंह लिआउण लई उत्थे पुलिस प्रशासन नाल गल करनगे। मैं इत्थे तुहाडे राही दर्शकों नूं दसना चाहुंदा हां कि असी तकरीबन 20 दिन पहला डिप्टी कमिश्नर लुधियाणा अते कमिश्नर लुधियाणा नूं एक मैमोरेंडम दिता सी कि बापू जी की इच्छा उत्थे जाण दी है, जिहड़ियां बंदिशां करके उन्हां नूं उत्थे पुलिस कस्टडी च रख्या जा रहा सी वह टुट चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मरण वरत जिहड़ा हैगा जथेदार जगतार सिंह हवारा होरां दी बेनती ते तोड़ दिता है। तो पुलिस प्रशासन ने किसी तरह का कोई रिस्पोंस नहीं दिता। सो असी हुण प्रैस मीडिया की अगवाई दे विच जां कह लो प्रैस मीडिया नूं नाल लिजा के उन्हां दी हाजरी च उत्थे पुलिस प्रशासन दे नाल गल करांगे कि तुसीं इन्हां नूं किस वजह करके जिहड़ा हैगा उत्थे नहीं जाण दे रहे है ना। तो कुछ अफसरां दे फोन आए सी, उह कहिंदे वी जे मतलब इह उत्थे मतलब इह सुरगवास हो जांदे आ, इन्हां दी मौत हो जांदी है तां कौण जिम्मेवार है। तां असीं उन्हां नूं पुछिआ वी जे इत्थे हो जांदी है तां कौण जिम्मेवार है। ठीक है, जमणा मरना अकाल पुरख वाहिगुरू दे हत्थ च है। ठीक है, उन्हां ने मरण वरत छड्ड दित्ता है, नॉर्मल खाणा लै रहे आ, ते हुण तुसीं उन्हां नूं जबरी बंधक बना के क्यों रख्या, सानूं इहदी वजह दस्सो। ठीक है, उन्हां दा परिवार चाहुंदा है वी उह कौमी इंसाफ मोर्चे जाण, उन्हां दी खुद ही इच्छा है कि वह इत्थे आउण, तां फिर पुलिस कौण हुंदी है रोकण वाली, सरकार कौण आ उन्हां नूं रोकण वाली, है ना। तो यह सारी गलबात जिहड़ी हैगी आ प्रैस मीडिया की हाजरी च कीती जाएगी। असी इत्थों मोर्चे तो 4-5 सिंह जा रहे हैं, कुछ उत्थे बैठे आ 2-3 जाने, तो इतों आ भाई गुरदीप सिंह जी राजस्थान तो हैगे ने ये नाल जा रहे हैं, एडवोकेट दलशेर सिंह जी जा रहे हैं, इस तो अलावा प्रैस मीडिया वाले प्रशादा छक के आ रहे हैं, तो वह सारे जने जाएंगे। कुछ प्रैस मीडिया जिहड़ा हैगा वह लुधियाने तो उत्थे पहुँचेगा, लगभग 12:30 बजे असी उत्थे पहुँचांगे। और गुरु महाराज बख्शिश करन, जित जिहड़ी हैगी आ उह संगत दी होएगी। जेकर पुलिस प्रशासन रोकेगा तो फिर संगत नूं बेनती करांगे कि आओ आपां तां 9 सिंघां नूं छडाउण वास्ते बैठे हाँ, सरकार ने 10वां सिंह भी जिहड़ा हैगा उन्हूं बंदी बना लिया, आओ मिल के आपां उन्हां नूं आजाद कराइए, क्योंकि 100 साल के बंदे तो भी 90 साल के बंदे तो भी जे पुलिस प्रशासन नूं डर है तो फिर मेरा ख्याल है भी इन्हां नूं आपदियां जिम्मेवारियां छड्ड देणियां चाहीदियां, तो जिहड़ा देश हैगा वह लोगों के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग काबिल नहीं है इस देश नूं चलाउण दे, इस सूबे नूं चलाउण दे। सो बस यही बेनती है जी। वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, तो गलबात की बलविंदर सिंह होरां दे नाल जो अज 5 मैंबरी जत्थे दे नाल लुधियाणा वल नूं रवाना हो रहा, बापू सूरत सिंह दे नाल मुलाकात की जाएगी कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच, उन्हां नूं लियाया जाएगा। पर जेकर फिर भी पुलिस प्रशासन उन्हां नूं रोकदा है तां पुलिस प्रशासन दे खिलाफ कह सकते हैं कि एक प्रदर्शन भी किया जा सकता है, या कह लो कि संगतां नूं अपील की जाएगी कि इकट्ठे होकर बापू सूरत सिंह होरां नूं उत्थों रिहाई उत्थों दी करवा के पुलिस प्रशासन दे कोलों उत्थे लिआंदा जावे, तां जो एक कौमी इंसाफ मोर्चे नूं बहुत वड्डा हुंगारा मिल सके। कौमी इंसाफ मोर्चे की पल पल की अपडेट के लिए जुड़े TF न्यूज़ के नाल। खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। तो बीते दिन स्टेज के उत्तों बापू हवारा जी होरां दे वल्लों एक बहुत वड्डा बयान दिता जाता है, जिस दे विच किया जाता है कि कल नूं 22 फरवरी दे दिन एक जत्था जो है लुधियाना DMC होस्पिटल वालों रवाना होएगा। बापू सूरत सिंह होरां दे नाल मुलाकात की जाएगी। तो बापू जी की कॉल के उत्ते 5 मैंबरी जत्था जो है लुधियाना वालों DMC हस्पताल वालों रवाना होने की तैयारी दे विच है। तुसीं देख सकते हो गड्डी कराई गई है। इस गड्डी दे विच मीडिया कर्मचारी ते जो जत्था हैगा बाकी दे जो सिंह साहब नाल जाणगे सारे ही इस गड्डी दे विच सवार होके पहुंचणगे। गलबात करन दी भी कोशिश करांगे।
अपने नाल बलविंदर सिंह होरी मौजूद है, उन्होंने तो जान लें कि किन्ने बजे जत्था जो रवाना होने वाला है तो किस तरीके का अब प्रोग्राम जो लिखा जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल बापू गुरचरण सिंह होर ने कौमी इंसाफ मोर्चे की स्टेज तो ये आदेश दिता सी कि पंज जिहड़े मतलब इतों कौमी इंसाफ मोर्चे की तालमेल कमेटी के मैंबर ने वो जाके बापू सूरत सिंह नूं लियाउण लई उत्थे पुलिस प्रशासन नाल गल करनगे। मैं इत्थे तुहाडे राही दर्शकां नूं दसना चाहुंदा हां कि असी तकरीबन 20 दिन पहला डिप्टी कमिश्नर लुधियाणा अते कमिश्नर लुधियाणा नूं एक मैमोरेंडम दिता सी कि बापू जी की इच्छा उत्थे जाण दी है, जिहड़ियां बंदिशां करके उन्हां नूं उत्थे पुलिस कस्टडी च रख्या जा रहा सी वो टुट चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मरण वर्त जिहड़ा हैगा जथेदार जगतार सिंह हवारा होरां दी बेनती ते तोड़ दिता है। तो पुलिस प्रशासन ने किसी तरह का कोई रिस्पोंस नहीं दिता। सो असी हुण प्रैस मीडिया की अगवाई दे विच जां कह लो प्रैस मीडिया नूं नाल लिजा के उन्हां दी हाजरी च उत्थे पुलिस प्रशासन दे नाल गल करांगे कि तुसी इन्हां नूं किस वजह करके जिहड़ा हैगा उत्थे नहीं जाण दे रहे, है ना। तां कुछ अफसरां दे फोन आए सी, उह कहिंदे वी जे मतलब यह उत्थे मतलब ये सुरगवास हो जाते हैं, इन्हों की मौत हो जाती है तो कौन जिम्मेवार है। तो असी उन्होंने पूछा भी जे इत्थे हो जाती है तो कौन जिम्मेवार है, ठीक है। जमना मरना अकाल पुरख वाहिगुरु के हाथ च है, ठीक है। उन्होंने मरण वर्त छड़ दिता है, नॉर्मल खाना ले रहे हैं, तो हुण तुसी उन्होंने जबरी बंधक बना के क्यों रखिया, सानू इहदी वजह दसो, ठीक है। उन्होंने परिवार चाहता है भी वह कौमी इंसाफ मोर्चे जाण, उन्हां दी खुद ही इच्छा है कि वह इत्थे आउण, तो फिर पुलिस कौन होंदी है रोकण वाली, सरकार कौन है उन्होंने रोकण वाली, है ना। तो यह सारी गलबात जिहड़ी हैगी आ प्रैस मीडिया की हाजरी च की जाएगी। असी इत्थों मोर्चे तो 4-5 सिंह जा रहे हैं, कुछ उत्थे बैठे आ 2-3 जने, तो इतों आ भाई गुरदीप सिंह जी राजस्थान तो हैगे ने, ये नाल जा रहे हैं। एडवोकेट दलशेर सिंह जी जा रहे हैं, इस तो अलावा प्रैस मीडिया वाले प्रशादा छक के आ रहे हैं, तो वो सारे जने जाएंगे। कुछ प्रैस मीडिया जिहड़ा हैगा वो लुधियाने तो उत्थे पहुँचेगा, लगभग 12:30 बजे असी उत्थे पहुँचांगे। और गुरु महाराज बख्शिश करन, जित जिहड़ी हैगी आ संगत दी होएगी। जेकर पुलिस प्रशासन रोकेगा तो फिर संगत नूं बेनती करांगे कि आओ, आपां तां 9 सिंघां नूं छडाउण वास्ते बैठे हाँ, सरकार ने 10वां सिंह भी जिहड़ा हैगा उन्हूं बंदी बना लिया, आओ मिल के आपां उन्हां नूं आजाद कराइए। क्योंकि 100 साल के बंदे तो भी 90 साल के बंदे तो भी जे पुलिस प्रशासन नूं डर है तो फिर मेरा ख्याल है भी इन्हां नूं आपदियां जिम्मेवारियां छड देनियां चाहीदियां, तो जिहड़ा देश हैगा वह लोगों के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग काबिल नहीं है इस देश नूं चलाउण दे, इस सूबे नूं चलाउण दे। सो बस यही बेनती है जी। वाहिगुरू की फतेह। हाँ जी, तो गलबात की है बलविंदर सिंह होरां दे नाल, जो अज पंज मैंबरी जत्थे दे नाल लुधियाणा वल नूं रवाना हो रहा। बापू सूरत सिंह दे नाल मुलाकात की जाएगी, कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच उन्हां नूं लियाया जाएगा, पर जेकर फिर भी पुलिस प्रशासन उन्हां नूं रोकदा है तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ कह सकते हैं कि एक प्रदर्शन भी किया जा सकता है, या कह लो कि संगतां नूं अपील की जाएगी कि इकट्ठे होकर बापू सूरत सिंह होरां नूं उत्थों रिहाई उत्थों दी करवा के पुलिस प्रशासन के कोल उत्थे लिआंदा जाए, तां जो एक कौमी इंसाफ मोर्चे नूं बहुत वड्डा हुंगारा मिल सके। कौमी इंसाफ मोर्चे की पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहो टीएफ न्यूज़ के साथ।